अभी राजनीति में आने का मेरा कोई मत नहीं है। बीच में आपके आ इसलिए रहा हूँ, भाषणबाजी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो वोट मांगने में आया। वैसे तो लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी सरकार है, लेकिन लड़ना पड़ा तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। जनता को संबोधित करते ये हैं कार्तिकेय चौहान। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे का ये भाषण सुर्खियां बटोर रहा है। बुधनी की जनता को संबोधित करते हुए कार्तिकेय कह रहे हैं कि वैसे तो पॉलिटिक्स में आने का इरादा नहीं है, लेकिन भाषण पक्के नेता की तरह दे रहे हैं। अंदाज भी नेता वाला ही है, कहीं से सुनकर नहीं लगता कि वो नेतागिरी की पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं से सुनकर नहीं लगता कि वो नेतागिरी सीख रहे हैं। एक बार आपको फिर सुनाते हैं कि कार्तिकेय चौहान ने क्या कहा। मैं नेता तो नहीं, लेकिन बावजूद उसके आप मुझे इतनी इज्जत देते हैं। अभी राजनीति में आने का मेरा कोई मत नहीं है, कुर्ता पहन के आया जरूर हूं, लेकिन बीच में आपके आ इसलिए रहा हूं, भाषणबाजी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो वोट मांगने में आया था आपके बीच में। और अगर आप पिताजी मुख्यमंत्री नहीं रहे और फिर वापस नहीं आऊंगा तो यार मैं अपने ऊपर रात को चैन की नींद सो नहीं पाऊंगा। वोट मांगने में आया था, जब आप लोगों ने मुझ पर विश्वास, देखो वोट मांगे तो पिताजी भी नहीं आए थे। और जब सामने उस समय जब चुनाव के जब कोई व्यक्ति माइक लेकर खड़ा था आश्वासन, तो वो मैच है। और इसीलिए जब आपसे उस समय मैंने वादा किया था तो उस वादे को निभाने के लिए मैं वापस आया और वादे को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। वैसे तो लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी सरकार है, लेकिन लड़ना पड़ा तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, अगर आपके लिए लड़ना पड़ा, अगर हक के लिए लड़ना पड़ा तो वैसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर नौबत आई तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान शिवराज सिंह चौहान पूरे प्रदेश में सभा कर रहे थे। अपने विधानसभा बुधनी में वो समय नहीं दे पा रहे थे, लिहाजा बुधनी के जनता के बीच चुनाव प्रचार का जिम्मा कार्तिकेय चौहान ने ही संभाला था। इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि चुनाव में मैं आपके बीच आया था, इसके लिए लड़ना भी पड़ा तो उसके लिए भी तैयार है। वैसे तो अपनी सरकार है, दिक्कत नहीं आएगी। वोट मांगने में आया था, जब आप लोगों ने मुझ पर विश्वास, देखो वोट मांगे तो पिताजी भी नहीं आए थे। और जब सामने उस समय जब चुनाव के जब कोई व्यक्ति माइक लेकर खड़ा था आश्वासन, तो वो मैच है। और इसीलिए जब आपसे उस समय मैंने वादा किया था तो उस वादे को निभाने के लिए मैं वापस आया और वादे को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। वैसे तो लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी सरकार है, लेकिन लड़ना पड़ा तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, अगर आपके लिए लड़ना पड़ा, अगर हक के लिए लड़ना पड़ा तो वैसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर नौबत आई तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। यकीनन कार्तिकेय चौहान के इस अंदाज को देखकर शिवराज सिंह चौहान भी खुश होंगे, क्योंकि भविष्य में अगर नेता बनना है तो दमदार भाषण और जनता से सीधा सीधा कनेक्शन करने आना चाहिए, और कार्तिकेय चौहान ऐसा करने में अब अनाड़ी तो कतई नहीं दिख रहे हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।